अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, एवरीथिंग इजी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज आप लोगों के साथ चंद मज़ीद कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर करूंगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सऊदी एयरलाइन की 30% ऑफर के मुतालिक, जिसके मुतालिक दोस्तों आप लोग जानते हो, आपके साथ पहले भी खबर ये मालूमात जो है वो शेयर कर चुके हैं हम। जिस किसी भी दोस्त ने पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, कोई भी उस कमल को उसमें जाना है, तो ज़रूरी जो सऊदी एयरलाइन का ऑफर है 30%, उससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि उसमें चंद ही दिन बाकी है। 29 नवंबर को ये ऑफर दोस्तों ख़त्म होने वाला है। कल 12 बजे ये ऑफर जो है दोस्तों 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने जाना है पाकिस्तान, कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर आपने जाना है, तो इस ऑफर से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसमें दोस्तों टिकट आप लोगों ने कल या आज बुक करना है, और फ्लाइट जो आपने लेना है, ट्रेवल पीरियड जो है वो 1 दिसंबर से लेके 10 मार्च 2024 तक आप लोग अपना फ्लाइट बुक कर सकते हो। उसी दौरान जब चाहे आप इसमें टिकट जो है वो तारीख जो है सेलेक्ट कर सकते हो, उसको बुक कर सकते हो, फिर उसको जाके इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर 230% अप है, यानी अगर टिकट आम दिनों में 1000 रियाल का है, तो इस ऑफर में मिलेगा 700 रियाल का, बाकी आप लोग अपना खुद हिसाब लगाएं। ये दोस्तों वन वे और रिटर्न दोनों पर ये ऑफर है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ शरायत है कि 3 और 11 जनवरी के माबेन 2024 उसमें ये टिकट आप लोग बुक नहीं कर सकते, 3, 11 और 21 से 28 फरवरी के माबेन, बाकी कोई भी तारीख आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सऊदी एयरलाइन का। दोस्तों आज सऊदी अमन ने वजारत दाखिलिया के हुक्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें दोस्तों मुखालिफा भी बताया गया और गैर मुल्की लिए तरखील बताया गया है। वो सऊदी मवातन दोस्तों जो अपने यहाँ किसी भी किस्म का गैर कानूनी गैर मुल्की को काम देता है, यानी उसका महना अलग है, साइक हासिल मंजिल को काम देता है, या किसी का काम एक्सपायर है, किसी का खरूब है, या कोई बार्डर क्रॉसर के सऊदी अरब है उसको काम देता है, या कोई भी मंशा कोई भी कफील अपने आमिल को फ्री छोड़ता है जाके बाहर किसी भी जगह में काम करो, तो उसी कपील को 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। साथ में दोस्तों उस कपील को 5 साल तक किसी किस्म का वीजा नहीं मिलेगा, और उस कंपनी का या उस मनशे का अगर गैर मुल्की मासूल है और उसने अपने साथ ये गैर कानूनी गैर मुल्की लगाए हैं, तो उसको तरखील कर दिया जाएगा। जेल भी दोस्तों उसको होगा, और जेल के बाद दोस्तों उसको तरखील कर दिया जाएगा। जेल इसमें दोस्तों 1 साल होगा, और साथ में दोस्तों गैर मुल्की सऊदी मवातन उसी का नाम वो अखबार और टीवी सब पर नशर कर दिया जाएगा। दोस्तों रियाज को 2030 एक्सपो की मेज़बानी मिलने के बाद रियाज में जश्न का समा, रियाज बिल्डिंग जो है वो सऊदी रंगों में रंग हो गया, सऊदी मवातनीन भी रोडों पर निकले हैं और इसी लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं। ख्याल है दोस्तों आज सऊदी को 2030 एक्सपो का मेज़बानी मिल गई, जिसमें दोस्तों सऊदी के मुकाबिल इटली और कोरिया था, जो कि दोस्तों सऊदी ने वोटिंग के जरिए जीत लिया। अब 2030 की एक्सपो सऊदी अरब रियाज सिटी में मुनक्किद होगी।